घोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास के 45 करोड़ रुपए के सौंदर्यीकरण को लेकर घिरे हुए हैं। केजरीवाल के सरकारी आवास की साज सज्जा और उसमें कथित भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार को घेरते हुए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो व्यक्ति ये कहता था कि वो बड़ा बंगला नहीं लेगा, वो अपने आवास की साज सज्जा में 45 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। साथ ही विजय गोयल ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। विजय गोयल ने मांग करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपना आवास जनता के लिए खोल देना चाहिए, ताकि वो भी देख सकें कि केजरीवाल का राजमहल कैसा है। वहीं दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन का कहना है कि 45 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के आवास पर खर्च करना बहुत बड़ा मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए और मामला भी दर्ज होना चाहिए। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल जहां अपने सरकारी आवास को लेकर बीजेपी के निशाने पर हैं, वहीं उनसे दिल्ली शराब घोटाले के तार भी जुड़ रहे हैं और इस पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई भी उनसे पूछताछ कर चुकी है।